आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। प्रवीण, मैं जानती हूँ वो साड़ी तुमने दुकानदार को नहीं बेची, क्योंकि लीला भाभी को उनकी एनिवर्सरी पे गिफ्ट देना चाहते थे। प्रवीण, वो साड़ी तुम मीनाक्षी को दे देना। लीला भाभी थोड़ा झटका लगा होगा ये सुन के, पर आप तो प्रवीण को कहकर कोई दूसरी अच्छी साड़ी डिजाइन करवा सकती हैं, लेकिन मेरी कछुआ छाप कभी ऐसी साड़ी पहनने का सपने में भी नहीं सोचेगी। देख, तू रोती रहेगी तो चैताली कैसे चुप रहेगी? तू बड़ी है ना? बड़ी हूं तो क्या हुआ, रोना तो आता है ना। देख बेटा, मेरी मदद कर, मैं अकेला तुम सबको नहीं संभाल पाऊंगा। देवकी सच कह रही थी, हमें अपने आंसू पोंछने होंगे। प्लीज आप लोग, हम अपने आंसू पोंछेंगे सुबोध भाई, तो ही तो इन बच्चों के आंसू रोक पाएंगे हम लोग। सुबोध भाई, एक्टर है ना आप, अपने इमोशंस पर काबू पाइए, तभी तो हम इन बच्चों को संभाल पाएंगे। चाहिए क्या कहूंगा बाबा, झूठ भी तो नहीं कह सकता कि प्रवीणा भाभी वापस आ जाएंगी। झूठ नहीं, सच कहना है। उन बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि हम नॉर्मल हैं और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। चैताली, चल चल, मुझे तुझसे एक जरूरी काम है, चल। काका, मम्मी वापस नहीं आ सकते क्या? बेटा, तू इस वक्त अपनी प्रॉब्लम भूल जा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर। सिर्फ तू ही है जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। क्या प्रॉब्लम है मीनाक्षी? देख ना, कब से रोए जा रही है। डॉक्टर ने उसे कहा भी है कि ज्यादा रोने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आने वाले बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा, लेकिन मेरी बात सुनती नहीं है। तू उसे समझाना, उसे बिल्कुल हुक्म के साथ बात करना कि मीनाक्षी का कि मेरी मम्मी चली गई लेकिन मैं रो रही हूं, आप भी मत रोइए, चुप हो जाइए, वो तेरी बात मान लेगी बेटा, चलना। आप झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं बेटा, मुझे बहलाने के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं ना? मीनाक्षी काकी कल रात से रोई नहीं है, और उन्होंने
आधी माँ को उन्होंने संभाला है और आप क्या रहेगी? मेरा रोना बंद करने के लिए आपने ऐसा कहा ना, पर काका मम्मी नहीं है तो रोना तो आएगा ही ना। काका आप रोइए मत, आपको मैं कह सकती हूँ कि देखो मैं नहीं रो रही ना, तो आप भी मत रोइए। ताली, चेताली, याद है जब हम छोटे थे तो रोज झगड़ा करते थे कि कौन मेरी मम्मी के बाजू में सोएगा, क्योंकि तब मेरी मम्मी रोज अलग अलग देवी देवताओं की कहानियां सुनाती थी। तब मुझे तुम लोगों पे बहुत गुस्सा आता था कि कोई मेरी मम्मी मुझसे शेयर क्यों करे, लेकिन अब गुस्सा नहीं आएगा। मेरी मम्मी मेरे साथ शेयर करोगे? बहुत सही सोचा बेटा तूने। जाओ चेताली मिताली, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, जाओ। हाँ, और अपनी दादी से वो प्रवीणा की प्रार्थना सभा में जो प्रार्थना गाने वाले हो वो एक बार याद कर लेना। हाँ चलो चलो चलो। मेहुल मेहुल मेहुल, सुन रहे हो तुम? कब से चुप ही बैठा है, इसे वक्त लगेगा संभलने में। चलो चलो बच्चों, चलो चलो मुंह हाथ धो लेना है तुम लोग, मैं टॉवल्स दे देती हूँ। प्रवीण भाई टॉवल्स कहाँ हैं? वहाँ कबर्ड में। हाँ कबर्ड में। चलो इसमें दिखाई नहीं दे रही है प्रवीण भाई, कोई बात नहीं, मैं अपने रूम से ले आती हूँ। प्रवीण पढ़ इसमें क्या लिखा है। मेरे प्यारे बटुकनाथ उर्फ प्रवीण, ये लेटर्स तुम्हें उस खजाने तक ले जाएंगे जिसके बारे में बाने एक बार जिक्र किया था और जिसे पाने के लिए तुम कुएं में उतरे थे। आगे पढ़ बेटा। हैरानी से बाकी तरफ मत देखो, मजाक कर रही हूं। हर साल हमारी एनिवर्सरी पे मैं सुबह ये लेटर लिखने बैठती थी और तुम्हें लगता था कि सुबह सुबह ये क्या लिखने बैठ गई। मैं इस खत के रूप में हर साल अपना फ्रेश विल बनाती हूँ, मेरी वसीयत।
तुम्हारे हाथ में ऐसे 6 विल और होंगे जो मैंने पिछले 6 सालों में लिखे हैं, लेकिन वो अब बेकार है क्योंकि ये सबसे नया विल है। अगर तुम लेटेस्ट विल पढ़ रहे हो, इसका मतलब मैं भगवान के घर जा चुकी हूँ। हाश मत बोलना वरना भूत बन के आऊंगी। काश भूत बन के आ सकूं, तुम सबसे अलग कैसे रह पाऊंगी मैं? चलो चलो, मंथरा के मुंह से ये इमोशनल लाइनें अच्छी नहीं लगती। काम की बात करते हैं। मेरा ये विल पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है बटुकनाथ। सबसे पहले मेरी सारी पुरानी साड़ियाँ वृद्ध महिलाओं के आश्रम में जाके दे देना और देखना कि ये 60 साल या बड़ी उम्र की औरतों को ही मेरी साड़ियाँ मिले। क्या है कि इतनी बड़ी उम्र में वो लोग भी भुलक्कड़ हो गई होंगी, मैं भी भुलक्कड़, तो साड़ियों को मेरी कमी महसूस नहीं होगी। और बा को खास साथ में ले जाना। बा कहेगी, ओहो, एक भुलक्कड़ को संभालना मुश्किल था, यहाँ तो 50-60 भुलक्कड़ है। लेकिन मेरी एक खास पिंक कलर की साड़ी है जो हमने दोनों ने साथ मिलकर डिजाइन की थी, याद है बटुकनाथ? कुछ और चीजों के साथ वो साड़ी भी मैंने एक बैग में रखी है जो पलंग के नीचे है। लीला भाभी, आपको याद है वो साड़ी? मीनाक्षी, क्या है ये? ये क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? इतनी अच्छी साड़ी को तूने, मैं अगर हैन वक्त पे नहीं आता तो पता नहीं ये साड़ी का क्या हो जाता। क्यों किया तूने ऐसा? जो लीला भाभी ने कहा मैंने वही किया। ए! लीला भाभी ने कहा ऐसा करने के लिए? मैं नहीं मानता। लीला भाभी, बोल लीजिए उनसे प्रवीण भाई, मैंने मानव की स्कूल का इंटरव्यू पास किया है। लीला भाभी, क्या हुआ प्रवीण भाई? लीला भाभी, आपने कहा था इसे साड़ी पे टीका लगाने के लिए। अरे हंस क्या रहे हैं आप, बताइए ना। ले क्यों? आप ही ने कहा था। कितनी सुंदर साड़ी डिजाइन की है प्रवीण भाई ने, मेरी नजर ना लग जाए इसे। मीनाक्षी, काला टीका लगा दे। और तूने लगा दिया? जिठानी की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मीनाक्षी, अरे मैंने ऐसे ही तारीफ करते हुए मजाक में कह दिया था, तू भी ना। हाँ, लेकिन इसने मजाक माइनस कर दिया उसमें से। ये तो अच्छा है लीला भाभी कि इसने काला टीका साड़ी के कॉर्नर पे लगाया। मैं ऑल्टर करके चला लूंगा। कहीं साड़ी के बीचों बीच काला धब्बा लगाया होता तो। मीनाक्षी, कभी तो सोच समझ के काम किया कर तू। वैसे ये सारा कुछ आपका है प्रवीण भाई। कहीं आप बात हो नहीं लीला भाभी के रूप में? नहीं, गलती चाहे किसी की भी हो, कसूर मेरा है, ये सिर्फ बा कह सकती है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अब आपने इतनी खूबसूरत साड़ी डिजाइन की है तो मेरे मुंह से निकल गया कि इसे काला टीका लगा दो। प्रवीण भाई, ये साड़ी मुझे दे दीजिए, मैं खरीद लेती हूँ। नहीं नहीं लीला भाभी, ये ऑर्डर की साड़ी है, इसे ऑर्डर करके चला लूंगा मैं। अच्छा सुनिए, अगर आपका क्लाइंट कहे कि ये ऑल्टर की भी साड़ी हमें नहीं चाहिए तो आप मुझे दे देना। ओके। मैं तो कहती हूँ ऐसी पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी हर बहू के पास तो होनी ही चाहिए। तू क्यों हंस रही है? याद आई वो साड़ी?
प्रवीण, मैं जानती हूँ वो साड़ी तुमने दुकानदार को नहीं बेची, क्योंकि लीला भाभी को उनकी एनिवर्सरी पे गिफ्ट देना चाहते थे। प्रवीण, वो साड़ी तुम मीनाक्षी को दे देना। लीला भाभी थोड़ा झटका लगा होगा ये सुन के, पर आप तो प्रवीण को कहकर कोई दूसरी अच्छी साड़ी डिजाइन करवा सकती हैं, लेकिन मेरी कछुआ छाप कभी ऐसी साड़ी पहनने का सपने में भी नहीं सोचेगी। आप जिद करके उसे वो पिंक वाली साड़ी पहनाना, मीनाक्षी बहुत सुंदर दिखेगी उस साड़ी में। आपसे भी ज्यादा सुंदर। और अगर मीनाक्षी ना माने तो वस्त्र हरण याद है ना? सुबोध भाई आपको याद है ना? बाप रे, ऐसा तो मानव के पापा ने भी कभी नहीं किया। अरे मानव के पापा को छोड़, अब मानव की चाची फील्ड में आ रही है। जा मीनाक्षी, अरे तेरी तो अरे 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 क्या हो रहा है? वस्त्र हरण, आपकी बीवी का कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है। अच्छा, हाँ। तो आप दुशासन और मैं दुर्योधन मिलके करते हैं। ओके। देख 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 प्रवीणा, ऐसी सिचुएशन में कैसे तेज तेज भाग रही है ये, तू इसे नहीं पकड़ पाएगी आज। अच्छा, दिया 5 का भाव। अरे लगे 200। सब क्या हो रहा है ये? वस्त्र हरण। सुबोध, तेरी बीवी रो रही है और तू हंस रहा है, और प्रवीणा तू ये एक हाथ तोड़ के तेरी अक्कल ठिकाने नहीं आई, दूसरा हाथ तोड़ने चली है। बा, इसकी साड़ी देखिए, अच्छी नहीं है बा, देखो। हाँ, मगर तुम लोग तीन 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 मिलके बिचारी एक को परेशान कर रहे हो। देखिए बा, प्रवीणा तो अकेली इसका वस्त्र हरण कर। इधर से, इधर से प्रवीण। बस तो मीनाक्षी वो पिंक वाली साड़ी पहने, ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। अब आगे स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।